के साथ भाग्यशाल आप सभी का स्वागत है चुनावी रण में। क्या आप लोगों को जानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बहू सृजाम्या क्यों लोकप्रिय है? हम आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव के संक्रांत के बाद भारतीय राजनीति की सक्रियता बढ़ गई है। सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी अब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में आ गया है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम तथा कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की बहू सृजाम्या भी राजनीति में उतरती हुई नजर आ रही है। मतलब वे अपने ससुर जी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के प्रचार के लिए मैदान में खड़ी हो गई है। वे अपने पति जयवर्धन सिंह के प्रचार के लिए भी हमेशा तैयार रहती है। वे जयवर्धन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में जाकर भी प्रचार करती है और सृजाम्या स्वयं भी सामाजिक कार्य में सक्रिय रहती है। वे निर्वाचन क्षेत्र में जाकर लोगों से सीधा संपर्क कर उनसे बातें करती है। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि क्या क्या लोकप्रियता है और क्यों लोकप्रिय होती जा रही है दिग्विजय सिंह की बहू सृजाम्या। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के बाद भारतीय राजनीति की सक्रियता बढ़ गई है। सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी अब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में आ गया है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम तथा कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की बहू सृजाम्या भी राजनीतिक दुनिया में काफी चर्चित है। सृजाम्या राजनीति में कभी पीछे नहीं रही है। वे अपने पति जयवर्धन के प्रचार के लिए हमेशा तैयार रहती है। वे जयवर्धन के निर्वाचन क्षेत्र में जाकर भी प्रचार करती है। सृजाम्या स्वयं भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती है। वे निर्वाचन क्षेत्र में जाकर लोगों से सीधा संपर्क कर उनसे बातें करती है। पति के काम के बारे में पूछती है कि कैसा लग रहा है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन और सृजाम्या का विवाह 2015 में हुआ था और सृजाम्या बिहार के डुमारिया राजघराने के शत्रुंजय शाही की बेटी है। सृजाम्या की पढ़ाई मेयो कॉलेज की गर्ल्स स्कूल अजमेर से हुई है। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, साथ ही सीए भी कंप्लीट किया। जयवर्धन और सृजाम्या के विवाह में न ही सोनिया गांधी और न ही कोई राजनेता दिखाई दिया। शादी में सिर्फ परिवार के ही खास सदस्य शामिल थे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.